गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 ध्यान दो। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया था अच्छे ढंग से, ये टेक्स्ट बुक रीडिंग किया था, उसी में आज हम वीडियो क्लिप के माध्यम से तुमको भेज रहे हैं। फेज़ वन का ये वीडियो है जिसमें तुमको इसी चीज़ों पर ना डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे, और जो भी कुछ है इसमें नोटिसेबल हमारा होगा या कुछ डिफरेंट होगा वो तुमको हम बताने का प्रयास इसमें करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये राइज ऑफ नेशन है ना, राइज ऑफ नेशन नेशनलिज्म इन यूरोप है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर का नाम हुआ। तो नेशनलिज्म जब आप क्लास से 10 में ही जब भारतीय राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे तो उसमें कैसे था कि देश के प्रति एक राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का जो विकास हमारा होता है, मतलब देश को फ्रीडम की तरफ ले जाना, देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है ना, ऐसा। तो यही प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हुई ये यूरोपियन कंट्री में, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्री में जो प्रारंभ हमारा हुआ, तुमको पता होना चाहिए, क्लास 9 में भी तुम लोग पढ़ चुके हो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो एक हमारा वहाँ से एक ऐसी क्रांति थी, रिवॉल्यूशन थी, जो पूरे यूरोपियन कंट्री में भी ना हमारे फ्रीडम की लहर को ना पैदा करने के लिए एनएफ थी। तो देखो सबसे पहले मैं कुछ वर्ड बॉक्स को विजिट करा देता हूँ, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी भी है तुम लोग के लिए। इसमें है क्या कि जो नए नए टर्म आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ये एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, इसको हम लोग एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं। इसका मतलब होता है हमारा निरंकुशवाद। इसमें दिया भी हुआ है कि लिटरेरी अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ ए रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ द मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट आर ये सेंट्रलाइज मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव। ये कह रहा है कि ये ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों का निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, सैन्य बलों पर आधारित होती है और दमनकारी सरकारें होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इटोपिया। इटोपिया का जो संदर्भ है कल्पना दर्श के तौर पर इसको देखा जाता है, जिसमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना, ए विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये पिछली बार मैंने तुमको बोला भी था कि ये सब बना लेना तुम लोग, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श को उसकी साकार करना लगभग पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं तुमको बताता ही हूँ कि इंसान जो होता है ये तमाम प्रकार के ऐसे कार्यों को करने के लिए संकल्पित होता है, लेकिन उतने सारे कार्यों को कर नहीं पाता है। अब देश में नहीं देख रहे हो अभी वर्तमान में कि सभ्य देश के नागरिक हैं, ये हैं, तो क्राइम कहाँ रुक रहा है? तो वो कल्पना केवल कल्पना ही रह जाती है और उसको हम परिणित नहीं कर सकते हैं। और एक ऐसे ही कल्पना दर्श यानी कि इटोपियन संदर्भ में एक हमारी पेंटिंग्स बनाई गई है, जो एक यूनिवर्सल हमारे पेंटर हैं फेडरिक सारयुग, ठीक है ना, कलाकार है, विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्नों के राष्ट्र की संधि 1848 का एक हमारा इसमें दिए हुए भी है। द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिकल एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन द नेशंस है ना, नेशंस एंड अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सारयुग इन 1848। तो इसने दिया क्या, इसमें देखो कि इसमें दी हुई है कि 1848 में फ्रेडरिक सारयुग ने जो एक फ्रांसीसी कलाकार था हमारा, फ्रेंच आर्टिस्ट था, उसने एक तैयार किया जिसमें सपनों का एक संसार बनाया जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है जो सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष के रूप में हमारे मेन एंड वीमेन के तौर पर यहाँ पर हमारा उपलब्ध है। इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करोगे तो उसको तुम समझ पाओगे है ना। तो ये उसमें कह रहा है कि कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए ना महिला का रूप प्रदान किया था, ठीक है, जिसमें ज्ञानोदय की मिसाल उसकी पहचान बन सकती थी। उसके हाथों में दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र था हमारा, घोषणा पत्र मतलब तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑफ
मेन इन द अदर ऑन द अर्थ ऑफ द, ये लाइन तुम देख सकते हो, इसको मैं कर देता हूँ ये राइट्स ऑफ, है ना, राइट्स ऑफ मैन एंड अदर्स, ठीक है, ऑन द अर्थ ऑफ द फॉरग्राउंड ऑन द इमेज इट्स सिटेड, है ना, रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एब्सोल्यूटिज्म। ये कह रहा है कि इसमें निरंकुश संस्थानों को ध्वस्त अवशेषों को बिखरे हुए दिखाया गया है इस पेंटिंग में, तुम देख सकते हो कि उसको, और सार्जू की कल्पना दस इटोपिया में दुनिया के लोगों को अलग राष्ट्र के समूह में बांटे हुए थे जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से की जाती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति जो थी इसमें तुम देख सकते हो कि इटोपियन विजन के बाद में दे रहा है कि लीडिंग द ये प्रोसेशन ऑफ वे पास्ट ऑफ द स्टैचू ऑफ द लिबर्टी एंड यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाई टाइम वी आर ऑलरेडी नेशन स्टेट, है ना, ये प्रतिमा के पास में इसकी पहचान बनाई गई है। जर्मनी के लोगों को भी उसमें काला लाल और सुनहरे झंडे थामे बैठे हुए हैं, ये तुम्हारा अगले पेज में दिए हुए हैं, इसमें तुम देख सकते हो आइडेंटिफिकेशन बाय द रिवोल्यूशनरी इन द कलर्स एंड द जस्ट इज द स्टैचू सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ द जर्मनी ये बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, तो थामे हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, उसके पहले की कहानी तुम्हारी दी गई है। और 1848 में जो लिबरलिज्म के बेस पर जो हमारी अभिव्यक्ति की जो बातें की गई थी इसमें भी तुम्हारा जिक्र किए हुए हैं, 1848 का यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपल्स इनटू अ नेशन स्टेट, है ना, एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना के तौर पर हमारी इसमें पहचान बनाई गई है। जर्मन के लोगों के बाद में ऑस्ट्रिया हो गए, इसके बाद में लंबार्डी का भी इसमें जिक्र किया है, पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड वो सब उसके आसपास वाले कंट्री ही हमारे हैं। और इसमें दे रहा है चित्र में, फोटोज में तुम लोग देखोगे कि ये देवी की मूर्ति का जो ये फ्रीडम का जो हमारी मूर्ति है उसकी मतलब अच्छे कार्य को मान करके ना ईसा मसीह संत और फरीसी देश पर नज़र जमाए हुए हैं। नहीं होता कोई अच्छा कार्य होता है तो लगता है कि भगवान देख रहे हैं, है ना, जैसे अच्छे राज्यों की परिकल्पना में अभी हाल फिलहाल में रामायण सीरियल चल रहा था, तुम लोगों को देखा होगा कि जब राम अच्छे अच्छे फैसले लेते थे ना तो ऊपर से फूलों की बारिश होती थी, धन्य हो राम ऐसे कुछ करके, तो उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर भी है जो वहाँ के लोगों ने किया। तो उस पेंटिंग में दिखाया गया कि अच्छे कार्य के तौर पर ना ईसा मसीह ही, तो चूँकि यूरोपियन कंट्री के गॉड हैं, लॉर्ड हैं, तो उनको लोग मानते हैं, तो ईसा मसीह के अलावा फरिश्ते का इसमें जिक्र कर रहा है, संत और ऐसे लोग जो अच्छे जो लोग हैं जो स्वर्गलोक में ऐसी कल्पना होती है कि बसे हुए वो दिख रहे हैं हमारे। ये कल्पना पर आधारित है हमारे, यूटोपियन कंसेप्ट इसको हम लोग कह सकते हैं, रियल नहीं हो सकता है, लेकिन पेंटिंग्स में तो इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी तौर पर कुछ भी इमेजिन कर सकता है। और इसमें 19वीं सदी के दौरान मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया, चूँकि बहुत सारा बड़ा बदलाव इसमें तुमको देखने के आया, और जो पुराने हमारे फ्यूडल स्टेट हमारे हुआ करते थे उसके जगह पर ना नेशन स्टेट फॉर्म हमारे हुए। इसमें तुम देख सकते हो ये नेशन स्टेट तुम्हारा दिए हुए हैं कि जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसके जगह पर ये आया हमारा नेशन स्टेट, ठीक है, इस लाइन को तुम पढ़ोगे तो इसमें तुम देख सकते हो, ठीक है। और इसमें दे भी रहा है कि यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित किए गए थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं संप्रभुता पर आधारित एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में जो नेशन स्टेट का जो हमारा संदर्भ था ये बता रहा है कि राष्ट्र राज्य न केवल उसके शासकों को बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों को एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी, और ये म्यूचुअल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ये कहीं ना कहीं हमारे यूरोपियन स्टेट में एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को हमारा नया बल देता है। इसमें देखो अर्नेस्ट रेनन का सिद्धांत है, अर्नेस्ट रेनन का,
ये एक हमारे फिलोसफर थे, 1882 में ये सबॉर्न यूनिवर्सिटी वहाँ उधर है हमारा, उस यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने लेक्चर दिया था, इसमें तुम्हारे दिए हुए भी है, कि द लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस ये एसे इन टाइटल व्हाट इज नेशन, है ना, क्वेश्चन क्यू के तौर पर इसको यूज़ किया गया है कि व्हाट इज नेशन, राष्ट्र राज्य क्या होता है। होता है ना कि कहीं पर सेमिनार वगैरह होता है, उसमें अच्छे जो वक्तव्य दिए जाते हैं, अगले दिन वो तुम्हारे संपादकीय पेपर पेज में निकल करके तुम्हारा आता है ना। तो इसमें दे रहा है कि दैट ए नेशन इज़ फॉर्म बाई द कॉमन लैंग्वेजेस, रेसेस, रिलीजन एंड द टेरिटोरीज। इसमें कह रहा है कि इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हैं, ये क्रिटिसिज्म करते हैं इस बात का कि राष्ट्र जो होता है समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। जैसे हमारे भारत के संदर्भ में भी ये बातें 100% सही होती है, जैसे नाम है हिंदुस्तान, 22-25% मुसलमान भी इस देश में रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, और महात्मा गांधी ने कहीं कहो कि इसी अंडरस्टैंडिंग के सिद्धांतों के अनुरूप ही उन्होंने काम किया, कि जब पाक मुलाओं के लिए पाकिस्तान बन रहे थे जो, या धार्मिक कंट्री जो अभी भी हमारे देश में इस्लामिक या तमाम प्रकार के ऐसे जो क्रिश्चियन वगैरह जो देश रन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, कहीं हमारा भारत जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और लिबरल है, जहाँ पर बड़े स्तर पर ये कार्य करने का एक अपना संदर्भ रहा है कि सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिल करके ना रहेंगे, है ना, और ये अंडरस्टैंडिंग के सिद्धांतों के अनुरूप है। ठीक है, इसमें देखो अगला फेज में दे रहा है कि अ नेशन इज़ द कुमुलेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ द इंडिवर्स, है ना, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, हीरोटिक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेस ऑफ द नेशनल आइडिया। अब इसमें देखो कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा के प्रयासों पर बना हुआ है, स्वर्ण वीरता जो होती है उसमें अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, इस प्रकार की सामाजिक पूंजी होता है ना, हम लोग भी कहते हैं ना कि गर्व से कहते हैं कि हम ये क्या कहते हैं, बुद्ध की धरती से बिलोंग करते हैं, हम रामकृष्ण की धरती से बिलोंग करते हैं, तो इसका ग्लोरिफिकेशन हमारा होता है। तो इसमें भी तुम देखोगे कि इसमें प्लेबिसाइट का जिक्र किया गया है, जो यहाँ वर्ड बॉक्स के तौर पर अगले पेज में तुम्हारा इसमें दिए हुए भी है, प्लेबिसाइट का, अ डायरेक्ट बाई वोट बाई विच ऑल द पीपल ऑफ द रीजन आर आस्क टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट करने के लिए जन संग्रह का होना हमारा जरूरी है। हालांकि वो दौर था जहाँ पर आबादी कम थी, पॉपुलेशन हमारा कम था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की बातें संभव नहीं है, चूँकि आबादी बहुत बड़ी है और ज्ञान का स्तर भी ना हर एक व्यक्ति के पास में अलग अलग प्रकार का है, हालांकि अनपढ़ लोग तो उस समय भी थे। तो ऐसा, तो ये कुल मिला जुला करके याद करो, नेशनलिज्म की जो फीलिंग पैदा करने के लिए महात्मा गांधी ने जितने प्रकार के आर्टिकल्स लिखे और यहाँ के भारत के समाचार पत्रों ने जो अच्छे से प्रकाशित किया, तो यहाँ पर अंडेस्ट रेनन के सिद्धांतों पर ही आधारित ना हमारा एक ये कंसेप्ट लाने का प्रयास किया गया कि राष्ट्र राज्य की परिकल्पना में उसके अस्तित्व को होना एक अच्छी बात है और ये ज़रूरत भी है, उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी देता है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा, यानी कि निरंकुशवाद और तानाशाहिता जो हमारी है वर्ल्ड से समाप्त होनी चाहिए, उसके जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ना लाना हमारा बहुत ज़रूरी था। कुल मिला जुला अगर अंडरेस नैनन जो लेक्चरर थे हमारे फिलोसफर, इनका कंसेप्ट यही था कि कैसे हमारा यूरोपियन कंट्री और अन्य देशों में भी ना लोकमत स्थापित हो, लोकतंत्र स्थापित हो, हमारा एक सिस्टम हो जो लोगों के द्वारा रन किया जा रहा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसमें जो अभिव्यक्ति की जो बात इसमें की गई है, पहला ही लाइन तुम्हारा 1789 से प्रारंभ किए हुए है कि 1789 का जो हमारा फ्रांसीसी क्रांति था, उन्होंने संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था, तुमको पता होगा कि लुई 16 था, है ना, इसमें सारा कुछ तुम्हारा जिक्र किए हुए है, और फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक बड़े बदलाव हुए, हमारा संप्रभुता राजतंत्र से निकल करके हक नागरिकों के हस्तांतरित की गई, और इसमें दे रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति में अनेक कदम ऐसे भी उठाए गए जिसमें सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई, जिसमें पितृभूमि, मैंने तुमको बताया था हम लोग मदरलैंड का कंसेप्ट जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर फादरलैंड का कंसेप्ट होता है, ठीक है,
और नागरिकों के विचारों और उसके अधिकारों का घोषणा पत्र हमारा उसके तहत में प्राप्त हुए, समान अधिकार सबको प्राप्त हुए, एक संविधान। संविधान का मतलब तुम लोग पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार मैंने एटिमोलॉजिकली इसके एनालिसिस करके बताया भी है कि संविधान होता है, सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है एक प्रकार का कानून हमारा होना, है ना। संविधान समान कानून का होना संविधान कहलाता है। इसके अलावा वहाँ पर फ्यूडल स्टेट के जो अलग झंडे थे उसके जगह पर ट्राई कलर्स को शामिल किया गया, जैसे हमारे भी ट्राई कलर का कंसेप्ट है ना जी, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम लोगों अब जो वो हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है, मेजोरिटी हिंदुओं की है, इसके बावजूद भी वो ट्राई कलर में हिंदुओं का जो केसरिया कलर है एक समान है। हाँ, इसके बाद में श्वेत जो है जैन और बुद्ध का अगर मान लो कि प्रतीक इसको माने हम, तो वो भी एक बराबर भाग पर है, जबकि उनकी संख्या कम है। इसके बाद में हरा अगर मुसलमानों को अगर समर्पित जाता है तो उसको भी हमने समान रूप दिया है। वो चक्र तुम्हारा बौद्ध धर्म से लिया गया है ना, जो अशोक चक्र है मंडकोपनिषद वाला कंसेप्ट से, मंडकोपनिषद नहीं कर रहे हैं ये बुद्धिस्ट वाला कंसेप्ट से, 24 जो हमारे है ना 10 सील और 8 है उसके ये अष्टांगिक मार्ग वाला, और 4 तुम्हारे आर्य सत्यों को शामिल करके इस तरीके से तुम्हारा 24 तिल्लियाँ अशोक का जो धम्मा से लिया गया था, तो वो एक अलग माइंडिटी से ही हमारा नेतृत्व उसमें करता है। और हालांकि प्रगति का भी हमारा पहचान है, जिसमें झंडा का गीत हम लोग गाते हैं ना कि केसरिया रंग भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, है ना, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा, ऐसा कुछ। तो उसकी गौरव गाथा ग्लोरिफिकेशन हमारी होती है, जो राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को विकास करने के लिए हमारा इसका होना हमारा जरूरी है। तो देखो यहाँ पर आइडिया ऑफ द फादरलैंड का कंसेप्ट, सिटीजनशिप जो उसमें एम्फेसाइज किया गया है, बल दिया गया है कि द नेशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग, सब समान रूप से इक्वल राइट को इंटरटेन करेंगे हमारे, ठीक है। इसके अलावा तुम लोगों ने देखा होगा कि उस असेंबली का नाम भी जनरल स्टेट जो होगा करता था, वहाँ आम नागरिकों से चुनाव होने लगा और नेशनल असेंबली का कंसेप्ट वहाँ पर है ना लाया गया, इसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये देखो नेशनल असेंबली यहाँ पर है, आप पढ़े जो पढ़ा होगा बच्चा उसको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो तो उसका भगवान मालिक है बाबू, ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे कि उसकी एक अपनी व्यवस्था लागू की गई वहाँ पर, जहाँ पर नागरिकों के लिए समान कानून के अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी को ना ये करने का प्रयास किया गया, नापतोल की जो हमारी व्यवस्था थी उसमें भी समानता लाने का प्रयास किया गया, और एक भाषा जैसे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है उसी तरीके से वहाँ पर फ्रेंच को ना प्रमोट करने की बात हमारी होने लगी, ठीक है। इसके बाद में वहाँ पर दे रहा है नेक्स्ट में कि हॉलैंड हो गया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, अन्य देशों में भी फ्रांस की घटनाओं ने एक उम्मीद पैदा की, और वहाँ के जो हमारे वॉलेंटियर्स थे और जो आर्मी वगैरह थी उसका वेलकम भी किया गया, लेकिन बाद में व्यक्तिगत विरोधाभास के कारण ना ये उनके अंदर में एक कंट्राडिक्शन भी देखने को हमारा मिलता है। फिर इसके बाद में नेपोलियन, तुमको पता होगा 1804 के में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे बदलाव लाए, हालांकि उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को तो प्रमोट नहीं किया, लेकिन एक लोकतांत्रिक जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव रखी थी ना, उसने मोनार्की सिस्टम को ही आगे बढ़ाया, उसने पॉलिटिकली डेमोक्रेसी को ना प्रमोट नहीं किया, ठीक है। और नेपोलियन कोड में उन्होंने, लेकिन उसने बहुत सारा गलत चीज़ों का ना ये किया, जैसे स्पेशल राइट को समाप्त करना, याद करो फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो कितना हार्डली होता था, और वहाँ पर ये क्या नाम है पादरी और जो एरिस्टोक्रेट ग्रुप थे हमारे, वो स्पेशल राइट्स के माध्यम से उसको पे नहीं करते थे, जबकि ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा उनके पास में हुआ करता था, उसको वो समाप्त कर दिया। इसके बाद इसमें तुम देखोगे इसी इसी कोड में तुम्हारा जिक्र सारा किया गया है, कानून के सामने सबको बराबर इक्वल राइट तुम्हारा प्रदान किया गया, बिफोर द लॉ एंड द सिक्योर द राइट टू द प्रॉपर्टी, दिस कोड वाज एक्सपोज टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, है ना, स्विट्जरलैंड, इटली। अभी दे रहा है कि सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया गया, किसानों को भू दसत्व जागीदारी जो शुल्क हमारा हुआ करता था, इजेदारी जागीदारी जो होता था उससे भी मुक्ति दिलाई गई, और ये डच, स्विट्जरलैंड, इटली आदि क्षेत्रों को भी उन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवीज़न अच्छे ढंग से किया।
इसके बाद तुम देख सकते हो कि इसके अगले पेज में बहुत सारी ऐसे चीज़ों का जिक्र किया गया है कि अ न्यू फाउंड फ्रीडम, एक नई स्वतंत्र व्यवस्था, बिजनेस मैन एंड स्मॉल स्केल ट्रेडर्स को भी, प्रोड्यूसर को भी गुड्स वगैरह खरीदने की इजाज़त हमारी दी गई, नापतोल वेट एंड मेजर्स का एक हमारा एक समान एक कॉमन नेशनल सिस्टम लागू किया गया, फैसिलिटी द मेमेंट मोमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द अनदर, और ये दे रहा है कि हाउएवर इन द एरियाज ऑफ द कंक्वेस्ट द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वेयर मिक्सड इनिशियली है ना ऑफ द मेनी प्लेसेस, और इसका एक बहुत मतलब एक समान व्यवस्था जिसको कहते हैं हम लोग वो लागू करने का प्रयास ये क्या नाम है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसमें किया गया, और जो एक समान जो भावनाओं की जो हमारी विकास होती है, इक्वल राइट्स को इंटरटेन करने की आज़ादी जब हम वहाँ के देश के नागरिकों को देते हैं तो वो हमारे राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को ना ये करता है। इसके बाद में इसी बुक में तुम देखोगे कि ये डाकिया का जो चित्र बनाया गया है, ये लाइप्सिंग की लड़ाई में फ्रांस लौट कर आते हुए डाकिया के तौर पर उसको प्रेजेंट किया गया नेपोलियन को ही, जिसने अपने जीते हुए क्षेत्रों को लगभग हार चुका है। देखो उसके पीठ पर जो बस्ते हैं उससे सारा मतलब वो बिखरता चला जा रहा है। तुमको पता होगा कि 1815 में ये वाटरलू में उसको पराजित करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी, इस तरीके से समाप्त हो गया। तो इसके अलावा ब्रसेल्स, मेज, मिलन और अन्य शहरों का नाम दिया गया जहाँ पर वो तोहफा देने वाली बात हो गई कि हम गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रीडम के तौर पर, फ्रेंच आर्मी के तौर पर। देखो इसमें दिया रहेगा कि हमें द लिबर्टी है ना, और नई व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, और सेंसरशिप बाकी यूरोपीय राज्यों का जो अपना कंसेप्ट है इसमें तमाम प्रकारों का जिक्र किया गया है। उसके प्रशासनिक परिवर्तनों के मिले फायदे कहीं नज़र आने लगे थे, ये जो थोड़े ही बहुत ही बदलाव किए गए थे, और मैं बार बार कहता भी हूँ कि चेंजिंग जो होता है हमारा धीरे धीरे होता है, एक दिन में जो काम हो जाए वो चमत्कार हमारा हो जाएगा। तो ये बेसिक तौर पर तुम देखोगे कि इस इंट्रोडक्शन कम जो फ्रांसीसी क्रांति के जो राष्ट्र के विचारों की जो परिकल्पना हमारी इसमें दी गई है, कंसेप्ट की गई है, ये पूरा का पूरा हमारा फ्रांसीसी क्रांति और उसके आसपास के केंद्रों पर आधारित है, जिसमें कुछ फिलोसफिकल बातें, कुछ उसमें फादरलैंड सिटीजनशिप के जो नागरिकता को प्रूव करने के एक समान प्रणाली कंस्टिट्यूशन संविधान की व्यवस्था होना, समान कानूनों का होना, नापतोल की समान व्यवस्था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, तमाम प्रकार की जो बातें नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इसमें की गई थी। चूँकि मैंने क्लास 9 में तुमको बताया था कि जहाँ ये कहानी समाप्त हो रही है वहीं से ये कहानी वहाँ पर तुमको प्रारंभ होगी, जो वियना कांग्रेस वगैरह 1815 से प्रारंभ होगा। तो नेक्स्ट है तुम्हारा सबसेक्शन 2, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण करना है ना, ये उसका राष्ट्रवाद का उदय होना। इसमें तुम्हारा दिए हुए है कि द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेज में ना इस पर वीडियो बना करके भेजने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि हमने सोचा है कि एक एक सेक्शन में ही इन चीज़ों को डील किया जाए। ठीक है बाबू, तो जो आपने पढ़ा, जो आपने समझा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी इसका एनालिसिस हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैंने इस वीडियो में भेज दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग इससे अपना है ना बेनिफिट उठाओगे, इसका लाभ उठाओगे, और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है फिर हमसे तुम बात कर सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही, ओके।